वीडियो में आपको मालूम चलेगा एशियन गेम के लिए पहले मुकाबले के लिए क्या नेपाल टीम का प्लेइंग 11 हो सकता है। क्योंकि गाइस आप लोगों को मालूम हो गया नेपाल टीम का स्क्वाड का ऐलान हो गया है, तो पहले भी बताया था, अभी बताया था मैं आप लोगों को क्या किन किन खिलाड़ी को मौका मिला हुआ, हर किसी को मालूम हो गया होगा। तो इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकता है नेपाल टीम का पहले मुकाबले के लिए किन किन खिलाड़ी को मौका मिल सकता है, इसके बारे में ये वीडियो है गाइस। अगर आप लोग वीडियो में नए हो, अगर वीडियो देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो वीडियो पूरा देखो गाइस, तभी आपको समझ में आएगा। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से गाइस कि पूरा वीडियो देखो, तो आपको मालूम चले किन किन खिलाड़ी को मौका मिलेगा पहले मुकाबले के लिए। अगर हर कोई चाहेगा नेपाल टीम एशियन गेम में अच्छा करे, गोल्ड मेडल लेके नेपाल के लिए, जो कि नेपाल में पहली बार एशियन गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, अगर नेपाल टीम दोनों मुकाबला जीत लेता है, फर्स्ट और दूसरा मुकाबला 27 तारीख वाला 1 तारीख वाला, तो ये भी हो सकता है नेपाल टीम इंडिया पाकिस्तान से भी खेलते हुए नजर आ सकता है क्वार्टर फाइनल में। ये बहुत अच्छी बात है नेपाल टीम के लिए, हम लोग के लिए, आप लोग के लिए, कि नेपाल टीम दोबारा पाकिस्तान और इंडिया से खेलते हुए नजर आ सकता है क्वार्टर फाइनल में, जो कि हर कोई चाहेगा नेपाल टीम इंडिया पाकिस्तान से खेले और इंडिया पाकिस्तान को नेपाल टीम हराए। इस बार हो सकता है नेपाल इंडिया पाकिस्तान को हरा दे, क्योंकि जिस हिसाब से नेपाल टीम इंडिया के साथ मैच खेला हुआ था, जबरदस्त खेला था, 230 रन लगाया था बोर्ड पे, हमारे खिलाड़ी लोग एक्साइटेड है एशियन गेम को लेके, जो कि T20 फॉर्मेट में होने वाला है एशियन गेम, चाइना में होगा, पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया है एशियन गेम में। सबसे पहले जो ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे एशियन गेम में, आसिफ शेख और कुशल बुर्तेल, ये दोनों जोड़ी ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे एशियन गेम में। पहले नंबर पर कुशल बुर्तेल है, कुशल बुर्तेल ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। कुशल बुर्तेल किसी को मालूम है इंडिया के खिलाफ जबरदस्त बैटिंग किए थे, 28 गेंद में 38 रन बनाए थे, तो इनका रिकॉर्ड देखा जाए T20 में 16 मैच खेले हुए, 16 मैच में 573 रन बनाए हुए, इनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त है, 129 का स्ट्राइक रेट है, 100 मारे हुए T20 में और 550 मारे हुए हैं कुशल बुर्तेल, T20 का रिकॉर्ड है। तो एशियन गेम में इनसे उम्मीद रहेगा कि ये बैटिंग से जलवा बिखारे और नेपाल टीम को मैच जिताएं। तो ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे पहले नंबर में कुशल बुर्तेल, दूसरा नंबर पे कुशल बुर्तेल का जो साथ देंगे वो आसिफ शेख। आसिफ शेख हर किसी को मालूम है गाइस, आसिफ शेख के खिलाफ जबरदस्त बैटिंग किए थे, 97 गेंद पे 58 रन बनाए हुए थे, एक लौते खिलाड़ी है कि इंडिया के खिलाफ 50 मारे हुए थे आसिफ शेख। तो आसिफ शेख T20 में ओपनिंग करते हुए एशियन गेम में दिखाई देंगे कुशल बुर्तेल के साथ। इंटरनेशनल T20 इस मैच खेले, 20 मैच में 468 रन बनाए हुए हैं, उनका बेस्ट देखा जाए तो 57 का बेस्ट है, 250 मारे हुए हैं, स्ट्राइक रेट जबरदस्त है, 120 का उनका स्ट्राइक रेट है आसिफ शेख का। तो आसिफ शेख को हर कोई चाहेगा कि कुशल बुर्तेल के साथ मिलके नेपाल टीम को अच्छा शुरुआत दे और नेपाल टीम को मैच जिताएं। नंबर 3 पे वो रोहित पौड़ेल कैप्टन खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उन कैप्टन उनको जिम्मेदारी से बैटिंग करना पड़ेगा, फ्रंट से लीड करना पड़ेगा एशियन गेम में, एशिया कप में गलती किए थे वो गलती को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि रोहित पौड़ेल दोनों मैच में फ्लॉप हो गए थे, हर कोई उम्मीद रखेगा कि रोहित पौड़ेल एशियन गेम में अच्छा करें और फ्रंट से लीड करें और नेपाल टीम को मैच जिताएं। रोहित पौड़ेल 15 मैच खेले हुए हैं, 15 मैच में 334 रन बनाए हुए हैं, उनका बेस्ट देखा जाए 1 रन का उनका बेस्ट है, 150 मारे हुए हैं, 118 का उनका स्ट्राइक रेट है रोहित पौड़ेल। तो रोहित पौड़ेल नंबर 3 पे आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, इनके जिम्मेदारी इन पे रहेगा, कैप्टन ही पारी खेलना पड़ेगा एशियन गेम में। नंबर 4 पे कुशल मल्ला, कुशल मल्ला का फॉर्म नहीं है अभी, कुशल मल्ला का हर कोई चाहेगा एशियन गेम में अच्छा करे और T20 का स्पेशल बैटर है, बैटिंग करते हैं ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। कुशल मल्ला 15 मैच खेले हुए हैं, 15 मैच में 183 रन बनाए हुए हैं, बेस्ट देखा जाए तो 150 मारे हुए हैं, स्ट्राइक रेट 144.9 का उनका स्ट्राइक रेट है, जबरदस्त स्ट्राइक रेट है, T20 का स्पेशल खिलाड़ी है कुशल मल्ला। नंबर 5 पे दीपेंद्र सिंह बेदी जो आपको दिखाई देंगे, ओवरऑल नेपाल टीम का एक पैकेज लेके आते हैं, ऑलराउंडर है, बॉलिंग से भी विकेट लेके देते हैं, बैटिंग से भी रन बना के देते हैं दीपेंद्र सिंह एदी। चूंकि दीपेंद्र सिंह एदी 38 मैच खेले हुए हैं, 38 मैच में 991 रन बनाए हुए हैं, अब बेस्ट देखा जाए तो 100 भी मारे हुए हैं दीपेंद्र सिंह एबेदी, 110 का उनका बेस्ट है, 5 हाफ सेंचुरी मारे हुए हैं दीपेंद्र सिंह एदी। तो ये दीपेंद्र सिंह का एदी का रिकॉर्ड है, हर कोई चाहेगा कि दीपेंद्र सिंह एदी एशियन गेम में अच्छा करे, बॉलिंग और बैटिंग से रन बना के दे, जो कि बॉलिंग से भी 38 मैच में 21 विकेट लिए हुए हैं, उनका बेस्ट देखा जाए तो 18 रन दे के 4 होल विकेट लिए हुए हैं दीपेंद्र सिंह बेदी। नंबर 6 पे आपको खेलते हुए दिखाई देंगे गुलशन झा। गुलशन झा हर किसी को मालूम है ऑलराउंडर है, गुलशन झा एक बैलेंस देते हैं नेपाल टीम को, क्योंकि T20 में आप ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है,
चुकी है T20 मैच में। गुलशन जा खाली एक T20 मैच खेले हुए हैं, एक T20 मैच में एक विकेट खाली लिए हुए, कोई रन नहीं बनाए हुए हैं गुलशन झा है। बॉलिंग से विकेट लेके देना पड़ेगा एशियन गेम में, हर कोई इनसे उम्मीद रखेगा कि जबरदस्त प्लेयर है, नेपाल टीम को चैलेंज देते हैं गुलशन झा। नंबर 7 पे सोमपाल कामिल आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। सोमपाल कामिल हर किसी को मालूम है गाइस, एशिया कप में जबरदस्त परफॉर्म किए थे, इंडिया पाकिस्तान मैच में जबरदस्त रन बनाए हुए थे, ओवर और पैकेज लेके आते हैं सोमपाल कामिल। तो सोमपाल कामिल 39 मैच खेले हुए, 39 मैच में 213 रन बनाए हुए हैं, स्ट्राइक रेट जबरदस्त है, 108 का उनका स्ट्राइक रेट है। 39 मैच में 35 विकेट लिए हुए हैं, 20 रन देके 3 विकेट होल लिए हुए हैं, ये सोमपाल कामिल का रिकॉर्ड है। तो नंबर 8 पे आपको संदीप लामेछा ने खेलते हुए दिखाई देंगे। जो संदीप लामेछा ने T20 का स्पेशल खिलाड़ी हैं, तो उनका हालिया फॉर्म जबरदस्त है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर लेते हैं संदीप लामेछा से हर कोई उम्मीद रखेगा। संदीप लामेछा ने 5 रन बना के भी दे और विकेट भी लेके दे अपना बॉलिंग से, क्योंकि संदीप लामेछा ने 41 मैच खेले हुए, 41 मैच में 57 रन बनाए हुए हैं, 41 मैच में 81 विकेट लिए हुए, 9 रन देके 5 विकेट लिए हुए, एक बार 5 होल्ड विकेट लिए हुए संदीप लामेछा ने। तो संदीप लामेछा का रिकॉर्ड है, संदीप लामेछा बॉलिंग और बैटिंग से ऑलराउंडर है, विनोद भंडारी बैटर है और मिडल में भी खेल सकते हैं, लोअर में भी खेल सकते हैं, जहां मन कहे वहां उनको खिला सकते हैं विनोद भंडारी को। तो विनोद भंडारी भी खेलते हुए आपको एशियन गेम में दिखाई देंगे, प्लेइंग 11 में उनको मौका मिलेगा, जो कि 29 मैच खेले हुए, 29 मैच में 166 रन बनाए हुए, देखा जाए तो 106 रन का उनका स्ट्राइक रेट है, उनका बेस्ट देखा जाए तो 58 रन का उनका बेस्ट है और 2 बार 50 मारे हुए हैं विनोद भंडारी। तो विनोद भंडारी भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। करण केसी नंबर 10 पे आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, जो करण केसी ऑलराउंडर भी हैं, बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हुए लिए नया बॉल से विकेट लेके देते हैं, नेपाल टीम को फ्रंट बॉलर है नेपाल टीम का और नेपाल टीम चाहेगा कि फॉर्म में रहे और नेपाल टीम को विकेट लेके दें। 37 मैच खेले हैं, 37 मैच में 249 रन बनाए हुए हैं, जो कि 37 मैच में 54 विकेट लिए हुए हैं, 21 रन देके 5 विकेट लिए हैं, एक बार होल्ड विकेट लिए हुए हैं, एक करण केसी का रिकॉर्ड है। तो करण केसी को हर कोई चाहेगा कुछ इंजरी ना हो और फॉर्म में रहे और नेपाल टीम को एशियन गेम में मैच जिताएं। नंबर 11 पे लास्ट जो खिलाड़ी है ललित राज पंछी बैटिंग तो नहीं कर पाते हैं कि बॉलिंग से जबरदस्त बैलेंस देते हैं नेपाल टीम को, जो कि बॉलिंग से हर किसी को फंसाते हैं। अभी तो ललित राज पंछी नेपाल टीम का एक तुरुप का इक्का हो सकते हैं एशियन गेम में, क्योंकि 9 मैच खेले हुए हैं, 9 मैच में 4 विकेट लिए हुए हैं, 16 रन देके 2 विकेट लिए हुए हैं ललित राज पंछी। तो ये ललित राज पंछी भी नेपाल टीम को बैलेंस देते हैं। और 11 खिलाड़ी गाइस आप लोग बता दो, यही 11 खिलाड़ी आप पहले मुकाबले में खेलते हो आपको दिखाई देंगे, वनडे फॉर्मेट में नहीं होगा, T20 फॉर्मेट में होगा, इसलिए आपको ये खिलाड़ी देखना ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे और लंबे लंबे छक्के मारेंगे और नेपाल टीम को मैच जिताएंगे। बेस्ट 11 जो खिलाड़ी था मैं पिक किया हूं, मैं आप लोगों को बता दिया हूं, यही खिलाड़ी ऑलमोस्ट खेलते हुए आपको दिखाई देंगे पहले मुकाबले में एशियन गेम का, जो 27 तारीख को होने वाला है। प्लेइंग 11 आपको कैसा लगा? अगर आप लोग कोई प्लेइंग 11 तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ये जो बेस्ट प्लेइंग 11 मैं बताया हूं गाइस, ये प्लेइंग 11 आपको हो सकता है पहले मुकाबले में आप खेलते हुए आपको दिखे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।